हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपने सिस्टम में विजुअल स्टूडियो और जीसीसी कैसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने सिस्टम को देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। तो इसमें सबसे पहले आज हम लोग आपको बताने वाले कि हम लोग अपने सिस्टम में विजुअल स्टूडियो और जीसीसी कैसे डाउनलोड करेंगे। तो हम लोग चलिए तो विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना गूगल क्रोम खोल लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसमें फिर हम लोग यहाँ सर्च करना है, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखना है विजुअल स्टूडियो। तो आप लोग भी सर्च ऐसे ही मारिएगा। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारा मतलब लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग चाहे तो यहाँ इस लिंक से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं डाउनलोड करेंगे। तो हम लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड विजुअल कोड मैक लिनक्स एंड विंडो। तो देखिए, तो ये सिर्फ मैक के लिए है, ठीक है, और ये लिनक्स के लिए है, और ये है विंडो के लिए। तो अगर आपका सिस्टम में विंडो अगर 7 अगर डाला हुआ है तो विजुअल स्टूडियो उसमें काम नहीं करेगा, इसलिए आपका सिस्टम में विंडो 10 डाला रहना चाहिए। तो आप लोग यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आप लोग यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो चुका है, इसलिए आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो हम चलिए बताते हैं जो इसमें डाउनलोड कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे। तो सबसे पहले ठीक है, तो आप लोग देखिए, तो हमारे में डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पे इसी तरह का डाउनलोड होगा। तो आप लोग यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, यहीं से सेटअप भी होता है। तो हम लोग इसे रोक लेते हैं, क्योंकि हमारे में ऑलरेडी ये डाउनलोड हो चुका है। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं कि इसमें हम लोग जीसीसी कैसे डाउनलोड करेंगे, मेन जीडब्ल्यू जीसीसी कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, तो हम लोग डालने चलते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग बैक जाएंगे और फिर हम लोग यहाँ पे अपने सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे जीसीसी। तो इसमें हम लोग क्या सर्च करेंगे, जीसीसी तो हम लोग इसमें जीसीसी विंडो 10 डाउनलोड करेंगे। तो आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से नहीं डाउनलोड करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो है, ठीक है, आप लोग ऊपर से भी डाउनलोड इसे कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे गेट स्टार्टेड विद C++ एंड MinJW64 इन विजुअल स्टूडियो को, तो हम लोग यहीं से डाउनलोड करने वाले हैं। तो इस पे आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो हम लोग थोड़ा आप लोग भी स्क्रॉल कीजिएगा,
और जैसे कि आपको यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ, और देखिए आप यहाँ लिंक टू डी इंस्टॉल, तो आप लोग इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहाँ से भी आप लोग का हो जाएगा, नहीं तो यहाँ आपको डाउनलोड का दिख रहा होगा, तो आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर, और आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा ऑलरेडी, क्योंकि हम डाउनलोड कर चुके हैं। तो चलिए फिर हम लोग बैक चलते हैं। देखिए तो आप लोग भी यहाँ से सेटअप कर लीजिएगा, तो आप लोग को स्क्रीन पे विजुअल स्टूडियो का ऐप आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग विजुअल स्टूडियो में इसको हम लोग ओपन कर दें। तो ये हमारा ओपन हो रहा है। तो हम लोग को इसमें कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, तो हम आप लोग को बताते हैं इसमें एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करेंगे और क्या क्या डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ ये दिख रहा होगा, ठीक है, एक्सटेंशन का यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें सर्च करना है C++। तो आप लोग ये सर्च बॉक्स में C++ सर्च कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा आ चुका है, तो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। तो आप लोग यहां पे डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोग के यहां इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, हम डाउनलोड कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए हमें यहां अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग इसमें फिर, तो आप लोग इसे डाउनलोड करने के बाद, तो फिर आप लोग यहां सर्च बॉक्स में आइएगा और फिर यहां पे सर्च करिएगा कोड रनर। क्या? कोड रनर, कोड रनर। तो इससे क्या होगा, जो हम कोई भी अगर इसमें कोड लिखेंगे तो उसको रन करेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, फर्स्ट में आ चुका है, तो हम लोग इस पर क्लिक कर, तो आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा।